सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी मनरेगा रिक्वायरमेंट 2021 की, जो प्रदेश में 1278 पदों की भर्ती थी सेवा योजना पोर्टल से होना था, लेकिन दोस्तों वो भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। लेकिन अब क्या होने वाली है, कैसे होगी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप एक बेरोजगार हैं और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही है। तुरंत सब्सक्राइब करें और यहां पर जरूर जुड़ें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो बनती हैं जो आपके भविष्य के लिए जरूरी होती हैं। सो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मनरेगा रिक्वायरमेंट 1278 पदों की लेटेस्ट अपडेट, उम्मीदवार करें चेक पूरी अपडेट। तो चलिए पूरी अपडेट आपको चेक करवाते हैं, आखिर मामला क्या है। यहां पर लिखा गया है कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट मिला है, भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। जैसा कि बिल्कुल आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आज से एक हफ्ते चार दिन पहले। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मतलब यह है कि एक नई अपडेट आई है, जिसमें अब आप आवेदन करेंगे और लिखित परीक्षा का भी प्रावधान होगा। ऐसा करके भर्ती को रद्द किया गया था, अब वही प्रक्रिया यहां पर लागू होगी दोस्तों। तो चलिए पूरा आपको मैटर दिखाते हैं। यहां पर लिखा गया है कि इसके बाद अब ग्राम विकास विभाग लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगा सिलेक्शन। तो मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन जो बंदों में दम है, जिसके अंदर जुनून है, जो टैलेंटेड है, उनके लिए तो भैया गोल्डन चांस है। बिल्कुल बता दे रहा हूँ, गोल्डन चांस है। और आप 27,000 रुपए के सैलरी वाला नौकरी पाओगे अगर आपके अंदर दम है। तो दम है तो आप अपने माँ बाप के सपना को पूरा करो और इस एग्जाम को नष्ट नाबूद कर दो, और इतनी अपने अंदर जुनून भर दो कि भाई नौकरी आपके हाथ में जाए ना, छीन लो सिलेक्शन। वो कहते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग आगे चलकर इतिहास रचते हैं। तो इतिहास रच दो मेरे दोस्त, पॉइंट पर आते हैं। और वीडियो में अगर दम हो, अच्छी लगे, तो भीमा चित्रा की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट करना इस वीडियो पर, प्यार भरा। दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि 1278 पदों पर संबंधित लेटेस्ट अपडेट सामने है। ताजा मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया थी वो निरस्त कर दी गई। इसके बाद ग्राम विकास विभाग अब इन पदों के उम्मीदवार का सिलेक्शन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से करेगी। ये देखो, मुश्किलें बढ़ती हुई, यानी कि 27,000 इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है। सरकार इतनी आसानी से 27,000 रुपए की सैलरी वाला नौकरी इतनी आसानी से नहीं देखे। फिर भी हम भी इतने कमजोर नहीं है, इस नौकरी को लेकर रहेंगे। चल निकाल तू सिर्फ वैकेंसी तो निकाल, इस सिलेक्शन को छीन के दिखाएंगे, आ तो तू सही। चल भाई आगे बात करते हैं। यहां पर लिखा है कि एजेंसी, यानी कि जो आपका विभाग है, कौन सा विभाग है, ग्राम विभाग विकास, ये अब आपका परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से करेगी और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, अगस्त के शुरुआत में जानकारी दी गई थी, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट के अनियमित, यानी कि अनियमित काल के लिए पेंडिंग हुई है। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, यहां पर देख सकते हैं। वहीं अब शासन भर्ती का नया विज्ञापन जारी करेगा। चुनाव से पहले अगर सारी भर्ती प्रक्रिया साफ ना हो जाए, विज्ञापन जारी ना हो जाए, तो आके इस चैनल पर कमेंट करना। जो लोग आपको डरा रहे हैं कि भर्ती नहीं होगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगा, कोई रोजगार नहीं आएगा ना, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं मेरे दोस्तों। इस बात को जान लो, अगर पढ़ते हो तो शिद्दत से पढ़ो और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दो मेरे दोस्तों। मैं बता दूं, सामने लेखपाल की भर्ती है, शिक्षक की भर्ती है, होमगार्ड की भर्ती है। बिल्कुल सारे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा चैनल से, बस जुड़े रहना। लोगों का, समाज का कहना है, आपको डीमोटिव करना है, आपके मनोबल को गिराना है। समाज की मत सुनो, अपने अंदर की सुनो और दहाड़ के सीना फैला कर चलो और चीर के रख दो एग्जाम को। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो जुड़े रहे भीमा चित्रा चैनल के साथ, भीमा चित्रा सरकरा साथ, हर खबर पर नजर आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। तो बात बस यही थी दोस्तों कि यह भर्ती अब ग्राम विकास विभाग कराएगी। जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती है, चीर के रख देंगे पूरी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।